ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शेट अनदर आज के व्लॉग्स। आज हम मौजूद हैं हमारे ही छोटे से शहर हैदराबाद में, जो कि ठंडी हवाओं के साथ मज़ेदार खानों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। अभी हम मौजूद हैं हीराबाद में अल्लाह वाला चौक, उसके बाद तिकोन मस्जिद के करीब एक बहुत ही मशहूर चाचा वाला है, जो कि हैदराबाद का मोस्ट फेमस कीमा और रोटी, जिसके लिए लोग ऑनलाइन ऑर्डर भी करते हैं अगर यहाँ पर आ नहीं सकते, क्योंकि ये इलाका बहुत बिजी रहता है। फूड स्ट्रीट नहीं है हैदराबाद की, लेकिन खाने के हिसाब से बहुत फेमस आइटम्स यहाँ पे मिलते हैं। मैंने यहाँ पर कीमा कभी नहीं खाया, लेकिन यहाँ पर बारबेक्यू पाए बिहारी बड़ी मशहूर है। हमारे साथ अकॉम्पनी कर रहे हैं आज फहद शाह साहब, तो चलते हैं आज देखते हैं फहद शाह साहब की बैटिंग कैसी है। हाँ भाई, तो अभी हम पहुंच चुके हैं चाचा बाला के पास, और चाचा बाला का मशहूर कीमा, जिसके साथ मिलती है चपाती, और साथ क्या क्या देते हैं आप लोग? रायता चपाती। कितने साल से हम यहाँ पे ये काम कर रहे हैं? 1995 में वाली साहब ने ठेला लगाया था, तकरीबन 27 साल हुआ 95 से, मेरी पैदाइश से पहले। आधी ड्यूटी अब्बू देते हैं, आधी मैं, पहले अब्बू सिर्फ संभालते थे, अब ये है मैं बड़ा हो गया हूँ तो अब्बू की हेल्प कर देता हूँ थोड़ी। 2 घंटे ड्यूटी अब्बू, 2 घंटे में, फिर 2 घंटे अब्बू, फिर 2 घंटे में, आराम हो जाता है थोड़ा। और ये है हमजा, चाचा इकबाल का बेटा, इकबाल बोले तो बाला। कितना कीमा आपका एक दिन में जाता होगा? अभी तो महंगाई की वजह से थोड़ा नीचे हो गया, तकरीबन 25-30 किलो, वैसे माशाल्लाह एक मन के करीब भी निकलता था एक दिन में। सबसे बेहतरीन टॉप नॉच आपका प्रोडक्ट कौन सा है? सबसे बेहतरीन बस ये सादा कीमा चलता है सबसे ज़्यादा, और जो स्पाइसी खाना चाहते हैं लोग वो स्पाइसी करवा लेते हैं, जिनको लाइट मिर्चों में खाना होता है वो अंडा डलवा लेते हैं, उससे मिर्चें लाइट हो जाती हैं। हम खाएंगे टॉप स्पाइसी वाला, तो 3 प्लेट लगाइएगा मस्त किस्म। ठीक है बैठो। अच्छा ये बेटा, आप लोग देसी घी में बनाते हो? नहीं, देसी घी नहीं होता है, फिर नॉर्मल वाला जो घी होता है ना, नाज वगैरह, हाँ हाँ, उसमें बनता है। तो ऐसी क्या चीज़ है जिसको लेकर लोग इतना बोलते हैं कि भाई जाना है तो बस बाले का ही कीमा खाना है? ये मेरा पूरी ईमानदारी, मेहनत और नीयत अच्छी है, बस इसी वजह से अल्लाह पाक ने इनको कबूल किया है। काफ़ी मेहनत की है पहले, इससे पहले बहुत सारे काम किए, लेकिन इसमें अल्लाह पाक ने नीयत अच्छी देखी, बस अल्लाह को कामयाब कर दिया। अल्लाह पाक मीरपुर से, कराची से, टंडो आदम से, नवाबशाह से, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं सिर्फ कीमा खाने। इसमें और कोई चीज़ भी चलाते हो आप या सिर्फ आपके पास कीमा होता है? सिर्फ कीमा बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं रहते। जैसे हम चपली कबाब वगैरह बनाते हैं इस तरह, तो उस पर चर्बी अरबी भी चलती है इसके साथ? इसमें जैसे गोश्त होता है, हम गोश्त लेते हैं, गोश्त के साथ, गोश्त वाला ज़ाहिर है रवाज भी देता है, रेड मीट तो नहीं देता कोई भी, तो बस वही कीमा होता है, रवाज और गोश्त मिक्स होता है। अच्छा, अभी महंगाई का टाइम आया है, तो क्या आप लोगों ने अभी रेट रिसेंट बढ़ाया है कोई? आगे से 3 बार रेट बढ़ चुका है, हमने भी रेट बढ़ाया, अभी पहली तारीख को रेट चेंज किया था, ये अभी रिसेंटली जो रेट है ना, पहली तारीख को जो चेंज किया था वही। महंगाई ने जो है ना सबकी कमरे तोड़ दिए हैं, और आवाम बहुत परेशान है लिटरली। जो घी, जो तेल 100 रुपये किलो मिल रहा था, वो अब घी 300 रुपये किलो चल गया। बुराई की बात नहीं है, लेकिन दैट्स द फैक्ट, गरीब आवाम की पहुँच से चीज़ें जाती जा रही है। अल्लाह आसानी करेगा सबके लिए, पैकिंग का स्टाइल बड़ा कमाल है बंदे का। तो कितनी देर लगेगी बनने में? हो बस गया, आप तो भूख लगेंगे यार। बस बैठो, आप लोग तैयार कर दिया मैंने। ये तो बना इस तरीके से रहे हो कि देख के और भूख बढ़ रही है। बैठो आप, इंशाल्लाह काफ़ी मज़ा आएगा। सामान जाते हैं यार, जैसे इसको देखता है ना बंदा, लोग इधर से ना बिल्कुल से इधर आ जाते हैं। कीमत देख के हरवान कैसे जाते हैं यार? सर ये बोल रहा है खुद ही कि इसकी जो फ्रेग्रेंस है, इसकी जो महक है, वो ऐसी सेड्यूसिंग है कि लोग ऐसे जा रहे होते हैं इधर आ जाते हैं, वहाँ नहीं जाते। कीमा खाने से पहले अरमान नहीं जाते, कीमा खाने के बाद जाते। आपके पास भी जाएंगे, मेरे अभी जाते हैं। ये असरात कितने घंटों के बाद आते हैं? अब हमें बाहर कितना टाइम लगेगा? रात के 3 बज जाएंगे फिर ख़त्म हो जाएगी। फिर इससे अच्छा हो मकबूल वाली दवाई है। कितने का भाई? एक प्लेट 300 रुपये, छोटी 150 रुपये। अच्छा क्या क्या है, घर से खाना नहीं खाएगा? वैसे तो मैं घर से खाना नहीं खाने आता हूँ, लेकिन आज खा गया हूँ फिर भी मैं खाऊंगा। जी हाँ ख्वातीन व हज़रात, जो लोग घर से खाना खा के आते हैं, इस रेड़े से गुजरने के बाद वो अपने आप को रोक नहीं पाते। तो अब तैयार है हमारा मिर्चीदार, तड़केदार और ज़बरदस्त चाचा बाला का कीमा।
ये अंडे वाला है, कम स्पाइसी, पहले स्पाइसी खाएंगे, पहले स्पाइसी खाएंगे, असल जायका तो पता चले। ये तो जला कर रख देगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर गर्मी में इतनी स्पाइसी चीज़ें खाई नहीं जाती है, लेकिन क्या है कि हम लोग स्पाइसी खाने वाले, इसके बगैर मज़ा भी नहीं आएगा। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखते हैं सबसे पहले स्पाइसी वाला कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए, ये हरी मिर्च और इस तरीके से ये चीज़ ओ हो हो हो, दिस इज समथिंग डिफरेंट। हाँ, अक्सर लोग क्या करते हैं, वो गरम मसाले का बड़ा खतरनाक वो इस्तेमाल होता है, लेकिन इतना गरम मसाले का इस्तेमाल नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ। सिर्फ वो भी स्पाइसी हमने एक्स्ट्रा करवाया, लेकिन ये वैसे परफेक्ट है। या थोड़ा सा इसको स्पाइसी और करके देना, क्या कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक स्पाइसी खाने वाला हूँ। भाई ये वापस गया, इसमें थोड़ी सी ये तड़का लगा वापस। अभी जो एक्स्ट्रा स्पाइसी हुआ है उसके साथ किसी भी लाल मिर्च, ग्रीन चिली, धनिया है और बहुत लजीज खुशबू उठ रही है और तेज़ी के साथ। अंडे वाले को जब तक ट्राई करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी अंडे वाला, वाह, वाह, वो स्पाइसी अपनी जगह पर है, लेकिन अंडे वाले का भी अपना टेस्ट है, बहुत आला है, अंडे का जायका चेंज कर दिया। अब देखते हैं कि खतरनाक स्पाइसी कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सिर्फ ग्रीन चिल्ली, ओए होए होए, ये भरा हुआ, ये ओके, ये है भाई बाइट। बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त। इस टेस्ट में यकीन मानिए घर वाला स्वाद भी आ रहा, मतलब एक होता है ना कि बाहर का आप चीज़ें खाओ उसका गंदगी और वो बगैर अजीब सी चीज़ें बनी हुई, लेकिन हमारे सामने बन रहा है सफाई सुथराई के साथ, और टेस्ट भी इसका बिल्कुल घर वाला है। ये होना चाहिए बाइट, ये होना चाहिए बाइट। स्पाइसी वैसे मैं खाता नहीं, ट्राई करके। अब आ रहा ना मिर्ची का मज़ा। डॉक्टर साहब जो है वो स्पाइसी चीज़ें खा नहीं सकते, बेचारे नाजुक मिजाज हैं, लेकिन हम तो खाएंगे भाई, ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाह वाह। और आ गया जी, मिर्ची कैसे खा रहे हो? नाजुक बच्चे हमारे आजकल के। साहब आपको कौन सा अच्छा लगा था? मुझे बहुत ज़्यादा स्पाइसी अच्छा लगा, ये मज़ा उसका अपना मज़ा। ये हुई बात, रोने 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 रोने, ना 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 मुन्ना ना। भाई नया माल लग रहा है, ये लेके राजस्थान में जो है वो 11 बजे लॉकडाउन का टाइम है, तो वो लॉकडाउन की वजह से सब दुकानें बंद करवाए जा रहे हैं, हम तो खा चुके हैं, लेकिन जल्दी जल्दी सब कुछ वाइंड अप करके चल रहे हैं। वाला भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे मिजाज आपको? अल्लाह का एहसान है सर, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, हम आपके पास फर्स्ट टाइम आए, थैंक यू वेरी मच, और मेरे हिसाब से कम पैसों में बहुत ज़्यादा खाना। ये भी सब ये इन्हीं गरीबों के लिए और इस महंगाई के लिए जो है ना, ये सही बेहतरीन खाना है ये। शुरू में आप खुद ने आपने चलाया इसको या आपके बड़ों से आ रहा है? नहीं, मैंने खुद नहीं चलाया है। कितने साल हो गए वाला भाई? तकरीबन 25 साल हो गए। माशाल्लाह इसी काम में जी भाई, अभी आपने अपने बच्चों को भी लगा दिया? हाँ, अपने बच्चों को ट्रेन कर दिया, इंशाल्लाह वही जायका मिलेगा।
रखा था, नहीं हमें तो बहुत मज़ा आया, बहुत लजीज था, ऐसे लगा जैसे घर का खाना खाया हमने। अल्लाह ताला ऐसे ही रखे, रब्बुल आलमीन, आमीन, अल्लाह से यही दुआ है। आमीन, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, हमसे बहुत ज़्यादा खाना चाहिए। अल्लाह हाफिज़। यार वैसे आशी, कितने पैसे कटे? 400। यार 400 रुपये में अगर तीन बंदे खा रहे हैं मेरे ख्याल से बुरा नहीं है, और वो भी मतलब मंडी के खाए, सही वाला खाए, अच्छा खासा खाया है अल्हम्दुलिल्लाह, और सफिशेंट है एक प्लेट में एक बंदे के लिए, अच्छा खासा है, क्योंकि कीमा हेवी होता है। हाँ, तो उस हिसाब से 400 रुपये मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त।